प्राइस का सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है एनी ग्रुप राइड इट्स अ टीम वर्क वेयर वी लुक आउट और ईच अदर. एक बंदा रुकेगा सब रुकेंगे, वी डोंट लीव एनीवन बिहाइंड. दैट इज अ बेसिक पॉलिसी ऑफ एनी ग्रुप राइड. सेफ्टी ऑलवेज कम्स फर्स्ट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज वी हैव एवरीवन इज कंफर्टेबल एट अ डिफरेंट राइडिंग स्पीड. समवन इज कंफर्टेबल एट 110, समवन इज कंफर्टेबल एट 90. हम लोगों को एवरेज पकड़ के चल रहा है. अगर आपके पीछे वाला बंदा नहीं दिख रहा है टर्न पे तो आप रुको, आप रुकोगे मैं रुकूंगा. द होल आइडिया इज वी हैव डोंट हैव टू लीव एनीवन बिहाइंड. आई हैव टू आस्क एनीवन टू स्टॉप. आई जस्ट रेज माय हैंड, दिस इज व्हाट आई विल डू. दैट मींस वी हैव टू स्टॉप. नॉर्मली ग्रुप पे देखा गया है कि यहाँ पे रुकते हैं हर बंदा आगे आके हीट करके पूरा ट्रैफिक पैक करता है. वी विल नॉट डू दैट. आई गिव इनफ टाइम स्टॉप करने के लिए. लेफ्ट में ऐसी रुकाउंड की सारी गाड़ियाँ एक लाइन में लेफ्ट में आती हैं. It is very hot. It is we are riding across the coast. It is going to be very humid also. A couple of them do have a hydration pack. 190-200 km very comfortable ride. We have one jetty today. Our breakfast is at Vardhan. Vardhan se Agardanda is the jetty. Agardanda se we take the Digi wala road. Digi Arami Beach. Digi Divyaga, we will have lunch at Divyaga. Divyaga se Arali Srimadhan and Hariyashi is the final spot. We should be there by about 4:35. Once we reach there, we will freshen up. Within half an hour, we have to come down. We will visit the temple and there is a Ganesh Gali. We will visit karke. Then we will have our next session once we are back. वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मेरे नए मोटो व्लॉग और मेरे यूट्यूब चैनल परेश जैन में स्वागत है. दोस्तों ये पहली बार हो रहा है कि मैं 4 दिन के लिए एक लॉन्ग राइड पे जा रहा हूं और इस बात के लिए मैं KTM को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि KTM ने इस बार 4 दिन की कोंकण की एक राइड रखी है जिसमें सबसे फर्स्ट डे हम जाएंगे हरिहरेश्वर, दूसरे दिन हम जाएंगे गणपति फुले और तीसरे दिन हम जाएंगे कराड़ के लिए. दोस्तों एवरी डे करीब करीब 300 किलोमीटर की हमारी राइड रहेगी और हमने आज ही सुबह वाशी KTM के शोरूम से ये राइड को जो है स्टार्ट किया है और करीब हम 10 से 12 लोग इस वक्त साथ में हैं और हम यहाँ से करीब करीब 4:30 बजे हरिहरेश्वर पहुँचेंगे और जहाँ जाके हमें कुछ टेम्पल्स के दर्शन भी करेंगे और साइट सीइंग भी करेंगे. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि रास्ता बहुत ही खूबसूरत है. चारों दिन की जो राइड है वो कोस्टल से होके जाने वाली राइड है. दोनों तरफ बहुत ही अच्छी ग्रीनरी होगी और साथ में समुद्र के किनारे से होते हुए हमें इस बाइक राइड को अंजाम देना है तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है. दोस्तों पूरा वीडियो मैं शूट करने वाला हूँ और आपके लिए एडिट करके इसे अपलोड करने वाला हूँ. दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो उतना ही अच्छा लगेगा जितना इस वक्त मैं इस राइड को चलाते हुए इंजॉय कर रहा हूँ. तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. दोस्तों इस वक्त हम वडगल के पास एक रेस्टोरेंट पे पहुंचे जिसका नाम है शुद्धा शांति भवन, जहाँ पे हम सभी राइडर्स ने एक छोटा सा ब्रेक लिया है. अभी तक हमने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट नहीं किया तो हमने सोचा कि यहीं पर एक मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट किया जाए और उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे. चलो दोस्तों अभी यहाँ शुद्धा शांति भवन होटल से हम निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि यहाँ पर नाश्ता बहुत ही ज़बरदस्त है. दोस्तों होटल से अंदर मैंने लिया था और कॉफ़ी ली थी और काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर डोसा और पोहा भी लिया था, किसी ने मिसल पाव भी लिया था. लेकिन सच कहूँ दोस्तों तो काफ़ी सारे लोगों ने इसकी बहुत तारीफ़ की और यकीन मैंने जैसे जब भी कभी आप हरिहरेश्वर के लिए जाओ तो इस जगह पर आके आप नाश्ता कर सकते हो, आपको बहुत ही मज़ा आएगा. अगर यहाँ से आगे
हरिहरेश्वर के लिए निकल पड़े हैं। दोस्तों हरिहरेश्वर यहाँ से करीब करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है। दोस्तों 80 किलोमीटर सुन के तो ऐसा लगता है कि 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ता मेरे ख्याल से घुमावदार है, इस वजह से करीब करीब 2.5 से 3 घंटे लगने वाले हैं, लेकिन मजा आने वाला है। पूरी टीम हमारे साथ में करीब करीब हम मुंबई से यहाँ पे 12 से 13 राइडर्स है जो हम एक ही लाइन में आगे पीछे चल रहे हैं दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके। और सच कहूँ दोस्तों तो आज का ये राइडिंग का एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि हमारे साथ सीनियर ट्रेनर राजीव शाह है, जो कि हमें पूरे रास्ते में किस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करके बाइक चलानी है वो हमें क्यों समय समय पर गाइड कर रहे हैं। और उन्होंने हमें पहले ही कह दिया था कि आप बाइक राइडिंग के लिए आए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाइक भगाना है, स्पीड में चलाना है, आपको बाइक बहुत ही कंट्रोल में सभी मेंबर्स के साथ में कोऑर्डिनेशन करके चलाना है, ताकि किसी को कोई इमरजेंसी जरूरत भी पड़ जाए तो आप उसकी तुरंत मदद कर सको। दोस्तों तो बस यही एक मजा होता है ग्रुप में राइडिंग करने का कि आप बहुत ही सिक्योर और सेफ फील करते हो। और दूसरी एक खास बात बताऊं तो दोस्तों KTM वालों ने इस राइड में एक डॉक्टर को भी साथ में रखा हुआ है और एक मैकेनिक को भी साथ में रखा हुआ है। थ्रू आउट द राइड कहीं पर किसी को कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो भी चिंता की बात नहीं है, और साथ ही टेक्निकल अगर कोई फॉल्ट बाइक में हो जाती है तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। तो जब इस तरीके की राइड हो तो आपको जरूर अटेंड करनी चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि अकेले राइड करने से ये बहुत बेहतर है कि आप ग्रुप में राइड कीजिए, और खास तौर पे KTM की जो राइड होती है जहाँ पे डॉक्टर की टीम, मेडिकल की टीम और साथ में मैकेनिक की टीम भी साथ में हो, तो आपकी राइड बहुत ही यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही सेफ हो जाती है। इस वक्त हम अगरदंडा आए हुए और अगरदंडा जीटी पर है। अगरदंडा से हम एक बोट पकड़ेंगे फेरी, जिसमें बैठ के यानी कि हमारी बाइक भी हम इसी में डालेंगे, और इस जेटी पे इस बोट पे बैठ के फेरी में बैठ के हम सीधे जा रहे हैं दिघी, और दिघी पे जाके फिर हम कहीं रुक के खाना खाएंगे और उसके बाद हरिहरेश्वर।
खुशन देगी जेटी से निकल चुके हैं और सीधे सीधे हम जा रहे हैं हरिहरेश्वर के लिए। हरिहरेश्वर करीब करीब यहाँ से 27 से 28 किलोमीटर दूर है, पर वहाँ जाने से पहले दोस्तों बहुत जोरों की भूख लगी है तो हम लंच के लिए एक ब्रेक जरूर लेंगे। वैसे बता दूं दोस्तों कि आज सुबह में करीब करीब 5 बजे उठा था हरिहरेश्वर निकलने के लिए, क्योंकि 6:30 बजे हमें KTM के शोरूम पे, वाशी वाले शोरूम पे हमें मिलना था, वहाँ से हम सब साथ में निकलने वाले थे। इस दरमियान हमने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट किया था दोस्तों, लेकिन वो ब्रेकफास्ट इतना हैवी नहीं कर पाया था। और सच कहूँ दोस्तों तो आज भूख ज़्यादा भी लगी है और बहुत ज़्यादा थकान भी महसूस हो रही है, क्योंकि क्लाइमेट सच कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है कि मैं आपसे क्या कहूँ। अच्छा हुआ कि कल रात को इस ट्रिप पर आने से पहले ही मैं डेकैथलॉन में गया था, डेकैथलॉन से मैंने 100 बैग खरीदा था ताकि इस पूरे राइड के दरमियान मुझे डिहाइड्रेशन ना हो, मुझे पानी की कमी ज़्यादा भी ना हो और मैं एक एक पानी की बूंद का सिप लेता रहूँ थ्रू आउट द राइड, और जिससे कि मेरे में एनर्जी बनी रहे दोस्तों। तो ये एक बहुत अच्छा काम किया। मैं भी आपसे कहूँगा कि कभी भी आप लॉन्ग राइड के लिए अगर कहीं पर भी निकलो तो एक हाइड्रेट बैग जरूर कैरी कर लीजिए, उसमें करीब करीब 2 लीटर पानी होता है, जिससे कि आप मौका मिलते ही आपको बाइक रोकने की जरूरत नहीं होगी, बाइक चलाते हुए आप पानी का आनंद ले सकोगे और कहीं पर भी डिहाइड्रेट नहीं होगे और आप पूरी एनर्जी के साथ राइडिंग कर पाओगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं विक्की से सीधे हरिहरेश्वर की ओर, और बीच में एक लंच लेंगे। लंच कहाँ लेंगे उसका भी आपको वीडियो शूट करके बताऊंगा कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। तो चलिए सीधा चलते हैं दोस्तों लंच की ओर, लंच से फिर हरिहरेश्वर की ओर। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, हम कब से करीब लास्ट 1 घंटे से बाइक हम ऐसे चला रहे कि हमारे राइट साइड में कभी समुंदर है, कभी हमारे लेफ्ट साइड में समुंदर है, हम ऐसे समझे कि समुंदर के किनारे पूरी राइड कर रहे हैं। और कोंकण में राइड करने का दोस्तों यही मजा है कि कोंकण में जब आप राइड करते हो तो आपको बस दरिए को ही चेस करना होता है, उसी के किनारे से होकर आपको राइड करना होता है, और यही बस दोस्तों इस राइड का मजा है। वैसे मैं कह दूँ तो इस बार बहुत गर्मी में मैं आया हूँ इस राइड के लिए, तो जितना मज़ा मैं उठाना चाहता था उतना नहीं उठा पा रहा हूँ, क्लाइमेट के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा उमस है, गर्मी है। लेकिन अगर इसी राइड के लिए अगर आप बारिश के महीने में आ जाओ दोस्तों तो बस सोने पे सुहागा है, चारों ओर हरियाली और समुंदर और उसके बीच से आपको अपनी बाइक को राइड करके निकालना है, तो सोचिए कितनी मजा, कितनी धमाल और कितना फन होगा। दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगली बार जब कभी भी आप भी कोशिश करो, आप भी मेहनत करो दोस्तों कि बारिश के दिनों में आप राइड के लिए निकलो, बाइक लेके आप ऐसे कोंकण की एक राइड करो 4 दिन 5 दिन या 6 दिन के लिए। दोस्तों यकीन मैं आपको कहता हूँ कि आपको बहुत मजा आएगा। देखिए इस वक्त मेरे ठीक सामने का नज़ारा, मेरे ठीक बाएं ओर का नज़ारा, कितना ब्यूटीफुल ये व्यू है यहाँ से। सच कहूँ दोस्तों यही सब देखने के लिए, इसी सब चीज़ों को फील करने के लिए, कुदरत के ऐसे नज़ारों को देखने के लिए बाइक राइडिंग के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन मैं नहीं समझता हूँ कि इतना खूबसूरत हो सकता है। देखिए कैसे समय समय पर राजीव शाह हमें गाइड कर रहे हैं कि हमें लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कि एक लाइन में हमें बाइक चलानी है, सभी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है दोस्तों। जब इतने अच्छे प्रोफेशनल ट्रेनर राइडर आपके साथ में हो तो दोस्तों एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और सेफ्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सामने वाली कार में हमारे फोटोग्राफर्स हैं और हमारे मैकेनिक है, डॉक्टर्स हैं, समय समय पर जैसे उन्हें चांस मिल रहा है वो फोटोग्राफी का भी पूरा मजा ले रहे हैं, ताकि हमें भी जब हमारे इस तरह के कैंडिड फोटो क्लिक किए जाए और जब बाद में हम देखेंगे तो हमें भी बड़ा बहुत मजा आने वाला है। जैसे कोई भी आप राइड कर लीजिए या कोई भी इवेंट आप जिंदगी में कर लीजिए, लेकिन इस इवेंट को सही तरीके से अगर आपने फोटो शूट करके कैप्चर नहीं किया है तो उस इवेंट का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि इवेंट तो उसी दिन दोस्तों खत्म हो जाता है, बस रह जाती है तो उसकी कुछ मीठी सी यादें, और वो यादें सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में कैप्चर हो जाती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि दोस्तों मैं मेमोरीज क्रिएट करते रहता हूँ, मेमोरीज को स्टोर करता रहता हूँ, मुझे ये सब चीज़ों का बेहद शौक है। लेकिन फिर से एक बार हमारे राजीव शाह किस तरीके से इशारा कर रहे हैं, हमें सबको डिसिप्लिन को फॉलो करना है, एक ही लाइन में चलना है दोस्तों, यही
ग्रुप राइडिंग का मजा है, यही धमाल है और यही इसी में हमारी सबकी सेफ्टी भी है। अक्सर ये सोचो हम अकेले राइड के लिए जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम अपने आप को कैसे बाइक चलाते हैं, ये फिल्माएं, फोटोग्राफी करें या वीडियो शूट करें। दोस्तों ग्रुप में जाने का और KTM की राइड में जाने का ये भी एक अच्छा मजा है कि उनके प्रोफेशनल फोटोग्राफर साथ में होते हैं तो आपके सारे मोमेंट्स कैंडिड पिक्चर वो क्लिक करते रहते हैं और बाद में वो आपको भेजते हैं और उनके इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर भी वो समय समय पर सारे पिक्चर्स अपलोड करते रहते हैं। ठीक दाई ओर का ये खूबसूरत नजारा, कितना ब्यूटीफुल समुद्र का किनारा लग रहा है। कोई भी इस वक्त समुद्र के किनारे पे नहीं है, कितनी ज्यादा प्रिवेसी है यहाँ पे और कितना साफ सुथरा ये समुद्र का किनारा दिख रहा है। दोस्तों रत्नागिरी बेल्ट यानी कि मुंबई से कोंकण की ओर जाने के बीच में जो रत्नागिरी और रत्नागिरी तक के बीच में जितने भी समुद्र के किनारे आते हैं, भले आप काशी ले लीजिए, भले आप दूसरा कोई भी बीच ले लीजिए, यहाँ पे सारे के सारे बीच बहुत ही खूबसूरत होते हैं और बहुत कम लोग यहाँ पे होते हैं तो आप अपनी प्राइवेसी को भी ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों दोस्तों इस खूबसूरत लोकेशन पर हम कुछ देर के लिए रुके थे फोटोग्राफी के लिए और हमारे KTM ग्रुप के तमाम राइडर्स ने यहाँ पर रुक के फोटोग्राफी की है और प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी हमारे साथ हैं तो उन्होंने भी हमारे काफ़ी सारे पिक्चर्स क्लिक किए हैं। दोस्तों लोकेशन बहुत खूबसूरत था इसलिए हम अपने आप को रोक के बिना रह नहीं सके। यहाँ से ठीक 15 मिनट की दूरी पर जो होटल है हम सीधे उस ओर अब बढ़ रहे हैं और वहाँ जाके हमारा लंच लेंगे। तो चलिए दोस्तों लंच के लिए चलते हैं। आप कितनी होशियारी से खुद एक्टिव बैठ के एक घोड़े को खींच रहा है इंसान, क्या कहूँ मैं। ऐसे दृश्य मुझे बहुत दुखद लगते हैं। दोस्तों तो इस वक्त हम उस होटल में पहुंच चुके हैं जहां पे जाके हमें आज के सुबह का लंच हमें लेना है जिसका नाम है पाटिल खानावल। तो अब सब राइडर्स हम यहाँ बाहर रुके हैं, होटल का गेट खोले तो हम अंदर जाए और बाइक को पार्क करके जोरों की भूख लगी है। दोस्तों सच कहूँ तो पता नहीं पेंट पड़ेंगे हम बिकॉज कि बहुत थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, प्यास लगी है, भूख लगी है। तो देखते हैं इस होटल का खाना कितना अच्छा है। वैसे KTM के पदाधिकारियों ने बहुत तारीफ की कि इसका फूड बहुत अच्छा है इसलिए मैंने इस होटल को चूज़ किया है। तो वहीं रुक के आज के लंच का
आनंद लेंगे। जैसे कि दोस्तों मैं बताऊं आपको, जो रास्ता बहुत ही ख़राब है, बहुत सारे खड्डे हैं, गड्ढे हैं और बाइक चलाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, ऑफ रोडिंग है पूरी। तो पिछली बार जब KTM में मैंने ट्रेनिंग ली थी तो उन्होंने बताया था कि जब भी आप ऑफ रोडिंग करते हो तो बाइक पे बैठ के आप बाइक को ना चलाइए, बाइक पे खड़े होकर जाओ। तो देखिए, जैसे कि मेरे सामने की जो लड़का है वो खड़े होकर सेडलिंग कर रहा है, तो इस वक्त मैं भी सेडलिंग करने के लिए आ गया हूँ। बिकॉज कि बैठ के बाइक चलाना खड्डों में बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उनकी बॉडी वैसे भी बहुत दुख रही होती है, पेन कर रही होती है और खड्डों की वजह से और भी ज़्यादा आपकी पोजीशन बैठने में आपको और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों, सेडलिंग करने का पहला ये फ़ायदा है कि ऑफ रोडिंग में सेडलिंग करने से खड्डे महसूस नहीं होते आपको, और ऑफ रोडिंग के टाइम पर आपको सेडलिंग ही करनी चाहिए। और दूसरी बात फ़ायदा ये होता है सेडलिंग का कि जब कंटिन्यूस आपको बाइक राइडिंग करनी होती है तो आपके हिप्स और आपके बैक अकड़ जाती है, पेन करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, बीच बीच में अगर आप सेडलिंग करोगे तो पेन से आप रिलीफ महसूस करोगे और आपकी राइडिंग कैपेसिटी जो है वो डबल या तिगुनी हो जाती है। दोस्तों, सेडलिंग का मतलब ये नहीं कि आपको बाइक की सीट के ऊपर खड़ा होना है, सेडलिंग का मतलब ये होता है कि जहाँ आप फुट रेस्ट पर अपना पैर रखते हो वहीं पर अपने दोनों पैरों को रख के ही आपको खड़ा होना है और पूरी बाइक को जो है अपने कोर से, कोर यानी कि कमर के जो नीचे का पोर्शन है और जो अपने घुटने का पोर्शन है, वहाँ से बाइक को पूरा बैलेंस करना होता है, लेफ्ट राइट में घुमाना होता है, हैंडल को आपको मूव नहीं करना होता है, बाइक को मूव करना होता है। दोस्तों, तो यही कहूँगा कि जब कभी भी आप इस तरह की ऑफ रोडिंग करें तो इसे आप जरूर अनुभव करें। मैं खुद भी इस वक्त सेडलिंग का अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है इस खराब रास्ते पर सेडलिंग करते हुए, मुझे बॉडी को काफ़ी रिलीफ और शांति मिल रही है मुझे। चलिए दोस्तों, हम पहुँच गए उस जगह पर जहाँ हम आज स्टे कर रहे हैं, रॉयल ग्रीन होटल, रॉयल ग्रीन पे। तो अब हम यहाँ पर बाइक पार्क करेंगे, फटाफट अपने रूम में जाएंगे और शावर लेके फटाफट रेडी होकर हमें मंदिर के दर्शन के लिए दोस्तों फिर निकलना है। मुझे तो लगा था कि हम पौने छः के पहले नहीं पहुँचेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से राइडिंग करके हम समय के ऊपर ही, निर्धारित समय पर ही हम पहुँच रहे हैं यहाँ पर, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, इस वक्त हम हरिहरेश्वर टेम्पल के दर्शन के लिए आए हैं, लेकिन दर्शन करने से पहले उसके पास एक छोटा सा पहाड़ है जिस पे चढ़ के हम ऊपर जा रहे हैं और वहाँ से
सनसेट को एंजॉय करने वाला है। सनसेट को मैं शूट कर रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त दृश्य है यहाँ से, इतना खूबसूरत नज़ारा है कि मैं आपसे क्या कहूँ। सनसेट, समुंदर और हरिहरेश्वर, सब कुछ बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। चलिए मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। दोस्तों, अभी मैं आपको जिस जगह पे लेके जा रहा हूँ, जगह का दृश्य इतना खूबसूरत है कि आप देख के पागल हो जाओगे। मैंने मेरे जीवन में इतना खूबसूरत दृश्य कभी नहीं देखा, इतना खूबसूरत है। दो चट्टान के बीच से होते हुए रास्ता नीचे की ओर जा रहा है और नीचे जाके सामने सीधा समंदर है। इतना ब्यूटीफुल है कि शब्दों में मैं इसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं इसको शूट करके आपको दिखाता हूँ, आप भी इस दृश्य का मज़े लीजिए, इंजॉय कीजिए।